इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक तो है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा मतलब हम बात कर रहे हैं चार्ज की, और अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, केमिस्ट्री जो है उसका मतलब है केमिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिकली यहां पर दो डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन होती है केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी के अंदर। बात आ रही है समझ में? ठीक है, जब हम बात करेंगे कि केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है तुम्हारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और जिस केस के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पॉइंट क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले कुछ बेसिक से पॉइंट आते हैं, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं। बेसिक से पॉइंट है तेरे पास। सबसे पहले जैसे रेजिस्टेंस फिजिक्स में पढ़ा होगा। हाँ। क्या होता है? कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि करंट को अपने अंदर से पास होने से ओबे करे। हाँ, ओबे करे नहीं, ओबे नहीं मतलब उसको रोके। रोके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V by I। सिंपल, वायर की ड्रम में कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर मैं आर को हटाता हूं तो मैंने कांस्टेंट की जगह रो यूज किया, रो इज में एल बाई ए। ठीक है, सेम वे से तेरे पास बात आती है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस को हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। तो कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा? 1/R। 1/R क्या हो गया? आर की वैल्यू पुट कर दी रो इनटू में एल बाई, तो 1/ρ जो है उसको हम बोलते हैं कापा। ठीक है, तो सी जो है वो इक्वल आ जाएगा कापा इनटू में ए बाई एल के। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है? रो इनटू में एल बाई ए। एल बाई ए जो है, एल बाई ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। L by A को हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। सेल कोई दिक्कत नहीं? श्योर? हाँ। ठीक है, तो अब देखिए एक बार इसको। देख भाई एक बार, इसके बाद ट्रम आती है तेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या ट्रम आती है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? अगर हम स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे, अगर हम स्पेशल कंडीशन को वहां पर क्या करें? अप्लाई करें। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन में आती है कि भैया अगर हम कहें कि हमने जो एरिया है उसको लिया 1 cm² और लेंथ जो है उसको हमने लिया 1 cm,
क्लियर है। और अगर मैं बात करूं ए इंटू एल, ए इंटू एल किसके बराबर होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू में लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और वॉल्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू में लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। मतलब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को लिखेंगे एनी कंडक्टेंस दैट कैन कैलकुलेट एट द वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑफ एनी कंटेनर। पॉइंट क्लियर है कि कोई भी कंटेनर हो अगर उसका वॉल्यूम आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो वहां पर जो कंडक्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पॉइंट क्लियर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, C इज इक्वल टू में क्या है, कप्पा इनटू में A बाई L। ठीक है, मैंने इन सारी वैल्यू को, A और L की वैल्यू को मैंने पुट किया तो C जो है वो क्या हो गया, कप्पा के बराबर हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर जो तुम्हारा कप्पा है वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। कंडक्टेंस। पॉइंट क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, सेम वे से हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए भी वही सेम कंडीशन है, वो एरिया आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ आपके पास 1 सेंटीमीटर, अगर मैं बात करूंगा वॉल्यूम की तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए आपके पास 1 सेंटीमीटर। पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो आपके पास थोड़ी देर पहले लिखा था R इज इक्वल टू में रो इनटू में L बाई, तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, रो के, रो के, और इसी रो को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। कोई दिक्कत? चेक कर एक बार। नहीं। ठीक है, मूव करें आगे। हाँ, तो यहां पर देखिए, अब अगली टर्म यहां पर आती है तेरे पास, दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक आती है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये यहां पर नोट मेंशन नहीं होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। टेंथ क्लास ये ब्रैकेट सिंबल क्या है? ये आपका इसका सिंबल है लैम्डा एम। अच्छा, ठीक है, और यहां से नोट मैंने रिमूव कर दिया, नोट हम आगे चल के पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कोई भी कंडक्टेंस हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो उसके लिए हम यहाँ पर नोट यूज करते हैं, तो वो नोट मैंने यहाँ से रिमूव कर रखा है। ठीक है, 11th क्लास के अंदर इक्विवेलेंट वर्ड को समझा होगा, जब आपने मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट किया था। या हम बात करें मॉलिक्यूलर मास आपने यूज किया था मोलरिटी के अंदर और इक्विवेलेंट मास यूज किया था आपने नॉर्मलिटी के अंदर। नॉर्मलिटी, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं इक्विवेलेंट की, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां पर जो कंसंट्रेशन की जो टर्म है वो किसकी टर्म में रहेगी, नॉर्मलिटी की टर्म में रहेगी। ठीक है, ऐसे ही मैं एक टर्म यूज और यूज होगी मोलर कंडक्टेंस। ठीक है भाई, ये मैंने गलत यूज कर दिए, इक्यू कर इसको, लैम्डा इक्यू, इक्विवेलेंट के लिए ये इक्यू हो जाएगा। ठीक है,
अगर मैं बात करूंगा मोलर, तो मोलर का मतलब है मोलरिटी की बात कर रहे हैं, तो कंसेंट्रेशन की जो टर्म है वो यहां पर किसके टर्म में रहेगी, मोलरिटी की टर्म में रहेगी। पॉइंट क्लियर है। तो इक्विवेलेंट वर्ड जो था हमारा नॉर्मलिटी में यूज होता है, तो अगर यहां पर कोई भी कंसंट्रेशन यूज होगी तो वो नॉर्मलिटी के टर्म में यूज होगी, अगर मैं बात करूंगा मोलर कंडक्टेंस की तो वहां पर कंसंट्रेशन जो है वो मोलरिटी के टर्म में रहेगी। ठीक है, अगर 11th क्लास में न्यूमेरिकल करे होंगे मोलरिटी के ऊपर, तो वहां पर मोलरिटी को मोलर करके बोला जाता है और नॉर्मलिटी को नॉर्मल करके बोला जाता है। हेलो, आवाज नहीं आ रही, नहीं आपके एक बार बीच में नहीं आई थी। अभी आ रही है? हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ 11th क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स करे होंगे तो मोलरिटी को हम मोलर कहते हैं, नॉर्मलिटी को नॉर्मल कहते हैं। ठीक हाँ है, तो यहाँ पर ये चीज, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी ना, अगर ये गड़बड़ हुई मोलरिटी की और नॉर्मलिटी की, तो आपका हाँ न्यूमेरिकल 200% गलत है। ठीक है, तो ये बहुत माइनर सी चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। ठीक है भाई, तो देख हमने कहा कि आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर हमने कोई, इसका जो वॉल्यूम है वो तुम्हारे पास है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसके अंदर हाँ आपने फिल कर रखा है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो पता ही होगा, हाँ जो इजीली ब्रेक हो सके इन टर्म ऑफ आयंस, दैट कैन ब्रेक्स इनटू इन टर्म आयंस। ऑफ चार्ज। ठीक है भाई, तो ये कहता है कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल कर रखा है, और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये यहां पर पूछना चाह रहा है कि इसकी जो कंडक्टेंस है, टोटल कंडक्टेंस क्या होगी, व्हाट विल बी द टोटल कंडक्टेंस ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टीसी में किससे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टोटल कंडक्टेंस टोटल में कनेक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है भाई, कैसे बताएगा, कैसे फाइंड आउट करेगा? एल वाई एक ही जगह तुम वी रख लेंगे वॉल्यूम हाँ, और एल बाई ए वॉल्यूम होता है, हाँ कैसे नहीं नहीं ए इंटू एल एल वाई ए बाई नहीं हाँ ए बाई एल होता है, ए वी इंटू एल वो होता ए है, तो एल बाई ए को कैसे वॉल्यूम पुट करेगा भाई। नहीं उसको नहीं अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी, अगर वॉल्यूम आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो जो कंडक्टेंस है वो किसके बराबर होती है, के और अगर वॉल्यूम आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी। सिंपल के इनटू वी सी बात है। ठीक है, ये टोटल कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक हाँ है भाई, और अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 1000 बाय नंबर ई होता है। हाँ अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट कर दूं तो c इज इक्वल टू में 1000 बाई v हो जाएगा, हाँ e जो है वो किसके बराबर आएगा, 1000 बाई, सी तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं k इंटू में b की बजाय मैं इसको पुट कर दूं 1000 बाई। ठीक सी है, और c जो है यहां पर वो किसके टर्म में होगा। नॉर्मलिटी पॉइंट क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं मोलर कंडक्टेंस की, तो वही सेम फॉर्मूला आएगा, के इंटू में 1000 बाई
सी, बट यहाँ पर सी जो है वो क्या होगी, मोलैरिटी। बात आ रही है समझ में? हाँ देख ले एक बार, हो गया। ठीक है तो इतना कर लियो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल है भाई काफी। ठीक है ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। ठीक है ठीक है, और न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लियो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। सुन, तेरे फिजिक्स वाले टीचर कैसे पढ़ाते हैं? मतलब तेरे फिजिक्स वाले टीचर भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें? वो उन्होंने करा था पर उनसे हुआ ही नहीं, वो फिर वो यूं कह रहे थे कि वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे पोस्ट करने के कुछ। अच्छा अच्छा ठीक है, और अभी जो मैं जो लिख रहा हूँ और वॉइस है उसमें कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस आ रहा है? लिखने में तो एक दो सेकंड का रहता है और वॉइस में कभी कभार आता है, कभी कभार आता है। ठीक है, बाकी मैं तेरे को ना एक और भेज रहा हूँ, जैसे हमारे स्कूल के अंदर एक कोई ऐप अप्लाई करी है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स करके है ऐप। ठीक है, तो उस ऐप के वीडियो लेक्चर्स वगैरह और उनके टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस प्रॉब्लम का 75 दिन का उन्होंने पैकेज ले रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं वो तेरे को एक बार वो सेंड कर देता हूँ, तो उसमें अपना देख लेना। ठीक है, ठीक है, कि अगर तेरा कैसा क्या तेरे को लगता है तो 75 तो उसका फायदा उठा। ठीक है, और उसमें अपनी लाइव लोकेशन डालना मत, उसमें लोकेशन अपनी एंटर करना कोसली की या गुड़ियाणी की। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं वो तेरे को फॉरवर्ड करता हूँ। और बाकी क्या नाम है, दिन के टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ, तो दिन के टाइम जो फ्री हो तो उस टाइम पे कर लिया अगर। ठीक है, ठीक है, तो अगर मान लो मैं कहीं बाहर भी हूंगा, बाहर तो वैसे बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ हुआ तो 10-15 मिनट के अंदर मैं घर आके वो ले लूंगा क्लास। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, चल कर लेंगे।